उधर ग्वालियर अंचल में पड़ने वाली भीषण गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्च महीने में तेज गर्मी पहली बार लोगों को परेशान कर रही है। रात का पारा भी 21 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। सड़कों पर भी लोग बहुत जरूरी काम से ही निकल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में अब तक की सबसे भीषण गर्मी मार्च में पड़ रही है और बता दूं होली के बाद इसमें तापमान में खासतौर पर इजाफा हुआ है। इससे पहले जो है मौसम विभाग द्वारा लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सारी सड़कें जो हैं वो सुनसान हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार इससे पहले भी गर्मी पड़ती रही है। ग्वालियर जिला जो है, ग्वालियर पूरे संभाग भर में सबसे गर्म जिला माना जाता है। और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, अभी तेज गर्मी पड़ रही है तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपको निकलने में परेशानी होती है, क्या लगता है कि किस तरह इस बार जो गर्मी पड़ रही है किस तरह का मौसम? जो गर्मी पड़ रही है पहले से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पहले इन दिनों में काफ़ी नॉर्मल मौसम था, अब की बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पहले हम अगर इन दिनों में इतना नॉर्मल मौसम था कि हम आराम से निकल जाते थे घरों से, अब मैं यहाँ से अपने घर तक आने हैं बहुत थक गया मैं, अभी मुझे बामौर तक। बिल्कुल, तो बामौर तक जाना है और कहीं ना कहीं परेशानी है और गर्मी तेज़ पड़ रही है, तो इसके चलते लोग कम ही घरों से निकल रहे हैं। बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से निकला जा रहा है। मार्च में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो तेज़ गर्मी है वो यहाँ पर इस बार देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते जो है अभी गर्मी में और भी इजाफा होने की उम्मीद है, तापमान और बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बन सकती है और इस बार जो गर्मी पड़ेगी उससे लोग काफी परेशान होने वाले हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।